की स्टोरी में कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि सेल फोन यूज़ करने वाला हर व्यक्ति हत्यारा है। जी हाँ, कहीं ना कहीं हम अपनी टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा गुम हो गए हैं, इतने ज़्यादा हम यूज़ करने लगे हैं टेक्नोलॉजी को, कि हम ये भूल गए हैं कि जो हमारे साथ रहते हैं एनिमल्स, बर्ड्स, उनको कहीं ना कहीं नुकसान है, जान का खतरा है। तो इस फिल्म में यही दिखाया गया है और स्टोरी बहुत ज़्यादा न्यू है और अलग है, कुछ सोशल मैसेज देती है फिल्म। और अब मैं बात करना चाहूँगी फिल्म के VFX, 3D इफेक्ट्स की और डायरेक्शन की। फिल्म के VFX कमाल के हैं, 3D इफेक्ट्स का एक्सपीरियंस आप फर्स्ट टाइम करोगे जो कि अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। और साथ ही साथ डायरेक्शन की तो शंकर जी की बात क्या करें, उनकी हर फिल्म जैसी होती है, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी है डायरेक्शन के मामले में। और साथ ही साथ हमारे साउथ के तलाइवा की एक्टिंग एज यूजुअल सुपर्ब है, अमेजिंग है। और अक्षय कुमार की अगर मैं बात करूँ तो अक्षय कुमार इस फिल्म में जैसे नेगेटिव उनको हमें लगा कि उनकी फिल्म पूरी फिल्म में उनकी नेगेटिव कैरेक्टर होने वाली है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं उनका जो कैरेक्टर है ग्रे है, थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव। और एमी जैक्सन की मैं बात करना चाहूँगी, एमी जैक्सन रोबोट बनी है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, गॉर्जियस लग रही है और अपने कैरेक्टर पर फिट बैठ रही है। फिल्म में आपको कहीं ना कहीं चिट्टी आपको रजनीकांत वसीकरण में दिखेंगे कैरेक्टर में, और चिट्टी में देखेंगे, और चिट्टी 2.0 जो कि 2.0 जो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है। और आपको बीच में रोमांस देखने मिलेगा जो हमारी जो एमी जैक्सन रोबोट बनी है और उनके और चिट्टी 2.0 के बीच में। तो ये बहुत ज़्यादा फिल्म के इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे। और साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगी फिल्म की क्लाइमेक्स की। फिल्म का क्लाइमेक्स जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, मस्त है, अमेजिंग है, आपको देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि पूरी फिल्म का बेस्ट पार्ट है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में कहीं ना कहीं आपको रजनीकांत के फोर्थ कैरेक्टर जो है एक सरप्राइज पैकेज बन के आते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा खुद जाके फिल्म, अगर जब आप देखेंगे तब रिवील होगा ये सस्पेंस कि क्या होने वाला है उनका फोर्थ कैरेक्टर जो कि सरप्राइज है। और मैं बात करना चाहूँगी अक्षय कुमार की, जो कि इस फिल्म में अक्षय कुमार कहीं ना कहीं जो बेजुबान है, जो बेजुबान पक्षी हैं, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं और लोगों को बताते हैं कि सेल फोन की यूज़ कम कीजिए, बंद नहीं करना है लेकिन हम कम यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाए जा रहे हैं नेटवर्क ऑपरेटर्स के द्वारा, जो कि हानिकारक बन रहे हैं हमारे साथ जो रहते हैं जीव जंतु उनके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म से बहुत अच्छा सोशल मैसेज मिलता है और फिल्म बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं लोगों को डेफिनेटली बोलना चाहूँगी, रिकमेंड करना चाहूँगी कि प्लीज़ ये फिल्म देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है, 1 टाइम या 2 टाइम वॉच है, मैं डेफिनेटली दोबारा भी देखने जाऊँगी ये फिल्म। तो मैंने तो देख लिया फिल्म, अपना रिव्यू बता दिया है, तो आप कब देखने जा रहे हैं फिल्म मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपने देख लिया तो डेफिनेटली रिव्यू तो आपको देना ही पड़ेगा मुझे कि कैसी लगी फिल्म, मैं वेट करूँगी आप लोगों के रिव्यू का। और ऐसे ही बॉलीवुड गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।